अरे भाई साहब, इन लोगों के साथ चलने में डर लग रहा है, कहीं पीछे से मार वार ना दे। अरे तेरी नमस्कार मंडली, कैसे गाइस चल रहे। दिस इज अनिकेत प्रगति फ्रॉम अमेजिंग लिवियर्ड और आप सभी का स्वागत है एक नए खूबसूरत सफ़र में। तो आज हम जा रहे हैं इर्शाडगढ़। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटर लेकर इर्शाडगढ़ के लिए, जो पनवेल के पास है। तो बिना किसी देरी के निकलते हैं। अभी पहुंच गया हूँ पनवेल। मुझे सायन से पनवेल पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया, 8 बज चुके हैं सुबह के। अभी यहाँ रुका हूँ पेट्रोल भरने के लिए और सामने श्री दत्तगुरु स्नैक्स है, मैं वहाँ पर जाके अभी नाश्ता करूँगा। यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होता है, अगर आप कहीं पनवेल से आ रहे हो तो यहाँ पर नाश्ता ज़रूर कीजिए। अभी और आगे मुझे 20 किलोमीटर जाना है, तभी मैं इर्शाडगढ़ पहुँच जाऊँगा। अब तक तो मैं इर्शाडगढ़ पहुंचा भी नहीं और अभी से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूं नानीवली विलेज, जो इर्शाडगढ़ का बेस पॉइंट है। अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है तो आप इजीली यहां तक आ सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा रोड है। आप यहां आकर अपनी गाड़ी पार्क भी कर सकते हो और यहाँ से इर्शाडगढ़ असेंड करना आप शुरू कर सकते हो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो चौक नाम का एक विलेज है यहाँ पर, जो नानी वाली विलेज से 2-3 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ पर बस से उतर सकते हो और वहाँ से रिक्शा या टैक्सी पकड़कर आप नानी वाली विलेज तक आ सकते हो, या फिर चलकर आ सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। और मैंने यहाँ आते वक्त चौक का जो रेलवे स्टेशन है वो भी देखा, बट वहाँ पर आई गेस 2-3 एक्सप्रेस ट्रेन्स रुकती हैं, ज़्यादातर कोई ट्रेन रुकती नहीं है वहाँ पर। तो आप वो ऑप्शन ट्राई करना चाहो तो आप वैसे भी आ सकते हो, बट अपनी खुद की गाड़ी हो तो ज़्यादा आसान होगा। नानी वाली विलेज से आप थोड़ा आगे चल के आओगे तो आपको दिखेगा एक हिल एरिया, जो ये है, वहाँ पर आपको चढ़ना होगा। और वहाँ जो पीछे आप देख रहे हो वो है इर्शाडगढ़। अगर आपको इर्शाडगढ़ पहुँचना है तो ये हिल एरिया चढ़ के आपको उतरना होगा और फिर आगे चढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं अपना ट्रैक। अभी मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ, थक तो नहीं गया ऑब्वियसली, ज़्यादा कुछ ट्रैक किया नहीं मैंने, बट यहाँ पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है तो रुकने का मन कर रहा है, रुकने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद फिर से ट्रैक शुरू करूँगा। भाव तुम्हें इर्शाडवाड़ीत ले का इर्शाडवाड़ीत ले तो इर्शाडवाड़ी पहुँचने से पहले जो हिल एरिया लगता है वहाँ पर जगह जगह पर आपको ऐसे छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, जिसे आप छांव में बैठ के आराम से इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हो, आराम कर सकते हो, तो अच्छी बात है ये। सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन फिर भी मोरबे डैम के आसपास कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है और दूर से कहीं से एक जनरेटर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो इर्शाडवाड़ी पहुँचने से पहले एक छोटा सा रेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, जहां आप आराम से बैठ के नींबू पानी पी सकते हो, 20 रुपये में नींबू पानी मिल जाएगा आपको। मैं भी यहां अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, उसके बाद आगे निकल जाऊंगा।
तो आगे चल के आने के बाद आप यहाँ पर एक और छोटी सी दुकान देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको ब्रेकफास्ट, नाश्ता, नींबू शरबत सब कुछ मिलेगा। हम पहुँच गए इरशाड़वाड़ी। इरशाड़वाड़ी में आपके खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके देख सकते हो। और ये देखो क्या है। अरे भाई साहब, इन लोगों के साथ चलने में डर लग रहा है, नहीं पीछे से मार वार ना दे। अरे तेरी, इनको जाने दो, उसके बाद निकलता हूँ। अरे ये तो ख़त्म होने का नाम ही क्योंकि यहाँ आने वाला जो पैच था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और मेरे आगे जो ट्रैकर्स गए थे उन्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो इतना डिफ़िकल्ट पैच चढ़ पाएंगे। उस समय ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये गलत रास्ता है, बट कोई नहीं, फिर से पीछे चलकर देखते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। मैंने ये एरो देखा ही नहीं, इतना बड़ा एरो बना के रखा है जो बता रहा है कि यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है। तो मैं गया था उस रॉक तक और मैं चढ़ के आया यहाँ से, पर अभी पता लग रहा है कि वो रास्ता भी ऑप्शनल रास्ता था, असली रास्ता तो यहाँ से है। लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, पता नहीं मैं उतने आगे क्यों चला गया। यहाँ से ऊपर जो पैच जा रहा है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ से चढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। बस ध्यान रखना कि आपके बैग का जो बेल्ट है वो आप पूरा टाइट कर लो। आपके अगर जेब में कोई मोबाइल फ़ोन है या वॉलेट है वो सब बैग में डाल दो। कोई भी ऐसी चीज़ मत रखो जिससे आपको चढ़ने में परेशानी हो।
वो सब बैग में अंदर डालो और आराम से ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ एक वाटर टैंक भी दिखाई दे रहा है, पानी इतना अच्छा तो नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो अभी मैं जस्ट इस पैच से ऊपर चढ़ के आया हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट जहाँ पर भी आपको पकड़ने के लिए ग्रिप मिलता है या फिर पैरों के लिए ग्रिप मिलता है वहाँ पर पैर रखिए और धीरे धीरे आराम से चढ़ के आइए। अगर आप थके हुए हो तो रेस्ट कीजिए और उसके बाद चढ़ना शुरू कीजिए। अगर थके हुए होंगे तो बैलेंस जाने का चांस होता है, तो वो रिस्क मत लीजिए, आराम से चढ़िए। यहाँ ऊपर चढ़ के आने के बाद आपको दिखाई देगी एक रॉक डिफॉर्मिटी जिसे मराठी में नेढ़े कहा जाता है। ये विंड इरोजन की वजह से यहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारे ट्रैकर्स के लिए ये एक फ़ोटो निकालने की जगह है बट काफ़ी खूबसूरत है ये। इस नेढ़े के अगर बगल से आप चले जाओ तो आप उस पिनाकल की तरफ जा सकते हो जिसे मराठी में सुड़का कहा जाता है। आपको यहाँ पर एक छोटा सा वाटर टैंक भी देखने को मिलेगा और यहाँ से ऊपर जाने के लिए जगह है। ऊपर आने के बाद आपको ये पिनाकल देखने को मिलेगा जहाँ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ना चढ़े। बहुत जगह पर मैंने ये पढ़ा था कि यहाँ से गिरकर लोगों की मौत भी हुई है, तो आप ये रिस्क मत लीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं तो ही आप यहाँ ऊपर चढ़ने का डेयरिंग कीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़े बहुत लोगों को देख रहा हूँ ऐसे ही जोश जोश में ऊपर चढ़ गए बट अभी उन्हें उतरने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है और यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ये मत कीजिए। अगर आप इस पिनाकल के बगल से गुज़रते हो यहाँ आपको एक छोटी सी केव देखने को मिलेगी और एक छोटा सा वाटर टैंक भी है वहाँ पर। हम इस तरफ भी जाके देखते हैं कि कुछ देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पर भी एक छोटी सी केव है ऐसा आप बोल सकते हो। यहाँ पर पास ही मोरबे डैम है जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो। दिन में इर्शाड़गढ़ पर आप ट्रैक करने के बाद रात को मोरबे डैम के पास आप नाइट कैंपिंग का प्लान बना सकते हो। आप यहाँ पर इस पिनाकल पर नहीं जा सकते बट आप यहाँ जाना ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर भी एक पिनाकल है जहाँ जाना थोड़ा आसान है। मैं जिस पिनाकल पे खड़ा हूँ ये एक पिनाकल है यहाँ पर, और सामने भी एक पिनाकल है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले मैं वहाँ उस पिनाकल पर खड़ा था और वहीं पे नीचे वो नेढ़े है जो रॉक डिफॉर्मिटी मैंने आपको बताया। मैं फ़िलहाल इस पिनाकल पर आया हूँ। अगर इतने ऊपर तक आप ट्रैक करके आए हो, इतने एफर्ट्स आपने लिए हैं, इतनी मेहनत से आप चढ़कर ऊपर आए हो, अपना पसीना बहाया है, तो आप जितना ट्रैक कर सकते हो ऊपर तक अगर कहीं पर चढ़ना है तो मैं कहूँगा कि अगर आपको वो आसान लगता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो जो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अब अगर हम इर्शाड़गढ़ की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इर्शाड़गढ़ को इतना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस मिला नहीं है। फैक्ट की बात बताऊँ तो इर्शाड़गढ़ एक्चुअल में कोई फोर्ट नहीं है, यहाँ पर बस एक पिनाकल है जो शायद वॉच टावर की तरह काम करता हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी पालकर जो शिवाजी महाराज के मराठा एम्पायर के सरनौबत थे, जो सेनापति कहा जाता है उन्हें, वो चौक विलेज जो है यहाँ पर जिसका मैंने पहले आप सबके सामने जिक्र किया वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो उस वजह से इस जगह को उतना तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ज़रूर है। शिवाजी महाराज के अंडर ये किला कब था या फिर कब आया था इसकी अगर हम बात करें तो 1666 में ये लिखा गया है कि शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी के आसपास जितना भी एरिया था वो कॉन्कर किया था, तभी इर्शाड़गढ़ उनके रूल के अंडर आया होगा ऐसा अब हम मान सकते हैं। बस
यही थी इर्शाडगढ़ की हिस्ट्री। और यहाँ ट्रैक करना डिफ़िकल्ट भी है और आसान भी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ट्रैक कर रहे हो, खुद की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हो या नहीं। एक सजेशन मैं आप सबको ज़रूर देना चाहूँगा, वो ये होगी कि अगर आप वीकडेज़ में इर्शाडगढ़ आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वीकेंड्स पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पर, तो आप उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे कि वीकडेज़ प्रेफ़र कीजिए। मेरे पास सिर्फ संडे था तो इसलिए मुझे आना पड़ा, बट मैं भी कहीं अगर ट्रैक के लिए जाता हूँ तो वीकडे ही प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि बात यह हो जाती है कि ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो टूरिस्ट पॉइंट बन जाता है, ट्रैकर्स कम, ट्रैवलर्स कम और टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं ऐसी जगहों में, तो इसलिए अच्छे से अपना ट्रैक भी कम्प्लीट नहीं कर पाते हम, तो इसलिए ये ध्यान में रखिए। तो अभी हो चुका है मेरा लंच टाइम, घर से पुलाव लेकर आया था, लंच करूँगा और फिर डिसेंड करना शुरू कर दूँगा। मैंने डिसेंड करना शुरू कर दिया है, यहाँ से मैं नीचे उतर कर आया हूँ। जो डिफ़िकल्ट पैच था वो मैंने कवर कर लिया है आसानी से। यहाँ पर चढ़ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उतरना डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसलिए वो भी ध्यान में रखिए। बस बाकी तो सब आसानी है। तो बस मैं पहुंच चुका हूं बेस विलेज तक। मैं कहूंगा कि इर्शाडगढ़ का मेरा जो ट्रैक था वो बहुत अच्छा था, मैंने बहुत मज़े किए। मैंने ट्रैक शुरू किया था सुबह 9 बजे और उसके बाद ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे 11 बज गए। 11 बजे के बाद 2 घंटे तक मैं ऊपर ही था और 1 बजे मैंने डिसेंडिंग शुरू की और अभी 2 बज चुके हैं, 1 घंटे में मैं नीचे उतर आया हूँ। तो अभी यहाँ से बस मेरी स्कूटर लेके घर भाग जाऊँगा। तो बस अभी पसीने से भीगा हुआ मेरा टी शर्ट मैंने चेंज कर दिया है और मैं वापस घर जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। मैं स्कूटर लूँगा और अपने घर चला जाऊँगा, जिस रोड से आया था उसी रोड से वापस जा रहा हूँ। और इसलिए मैं चाहूँगा कि इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँ। तो मैं कहना चाहूँगा ये रास्ते अमेजिंग हैं, वियर्ड ये सफ़र, मुसाफिर हैं हम, फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर। तो मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।